राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मेरे पापा नहीं रहे। अभी 15-16 दिन हो चुके हैं और आज मैं काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ। आज सोचा थोड़ा काम कर लिया जाए, मम्मी भी आए साथ में। पापा की बहुत याद आती है, बट वक्त के साथ शायद कैसा कैसा टाइम काटना पड़ता है, आई डोंट नो। बट ये टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बट कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी वर्ड। ऐसा लग रहा है दुनिया खत्म हो चुकी, कुछ नहीं बचा है। अभी मैं खेत में आ गई हूँ, साथ में मम्मी भी आए। मैं तो मम्मी को मना ही कर रही थी कि रहने दो, इधर पीछे मम्मी आए, बट मम्मी ने बोला चलते हैं देखते हैं, क्योंकि पापा भी बहुत काम खेतों में करते थे, बहुत मेहनत करते थे। घर पे गाय भी रखी है, तो यहाँ पे मक्की लगाई है। मक्की के बीच काफ़ी घास हो गया, मैंने सोचा वो निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मम्मी आ रहे हैं वहाँ से, ये देख लो मक्की लगाई है, बीच बीच में बहुत घास है, ये सारा घास निकालना है। और अभी टाइम हो गया 7:30 अराउंड, तो काम शुरू करते हैं। ये हमारा खेत है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, आधे तक हमने खेत क्लीन कर दिया है, उससे आगे काफ़ी घास है, बट यहाँ बढ़िया साफ हो चुका है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पीछे जहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे छाँव है, आगे आगे धूप है। कुछ थोड़ा काम अभी करेंगे, कुछ दिन में करेंगे, बट जितना कंप्लीट हो सकता है उतना तो अभी करेंगे। यहाँ पे कुछ सूखा घास है, कुछ छोटा छोटा हरा घास है, ये सारा साफ कर रहे हैं। कई जगह बीच बीच में बहुत हार्ड है ये निकालने के लिए घास, बट चलो साफ तो करना ही है खेत। ये सामने देख सकते हो, मम्मी के बैक में भी इतनी पेन हो रही थी, फिर भी मम्मी आ ही गए खेत को, मना करने के बाद भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा घास निकाल रहे थे। पापा जी हमेशा इतनी ईमानदारी से काम करते थे और इतनी सच्चाई के साथ हमेशा जीते थे, और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मिस यू सो मच पापा जी, काश आप आज हमारे बीच होते। ये वाला सारा घास हमने निकाला है, इतना छोटा छोटा घास है, ये देख सकते हो सारा भी निकाला है। और आप देख सकते हो कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा क्लीन हो चुका है इस टाइम। यहाँ से ऊपर रहा है, यहाँ से नीचे सारा क्लीन हो गया खेत। उफ, अब गर्मी भी बहुत लग रही है, अब थोड़ी देर में हम भी जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और पापा जी यहाँ से मक्की ले जा रहे थे। उस टाइम मक्की बहुत बड़ी थी और पक भी चुकी थी, हम लोग यहाँ से भर भर के मक्की ले जा रहे थे। मैंने एक ब्लॉग भी डाला है जिसमें मैं और पापा जी यहाँ खेत तक आते थे। अभी बस छोटी छोटी मक्की कर रहे काम, बट मम्मी अभी भी नहीं आ रहे बुलाने पे कि आ जाओ, धूप बहुत लगी तब भी लगे हुए। Sure.
देख सकते हैं एक जानवर नीचे दिख रहा है, इसको गो बोलते हैं। ये देखो इसकी पूंछ दिख रही इतनी लंबी, और ये गई नीचे को। ये ओह माय गॉड। हम भी अब घर को जा रहे हैं, मम्मी आगे चले गए हैं अभी, दिन में आएंगे, दिन में करेंगे। आधा खेत खाली आधा हो गया, धूप काफी ज्यादा हो रही थी तो चलते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे, हमारे यहाँ दावगले बोलते हैं इनको, बहुत पक रखे हैं। ये देखो बहुत सारे लगे इसमें। टेस्ट करो मिठाई, गाँव में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। ये है खट्टे, पर अभी पके नहीं है, बहुत छोटे, कुछ टाइम बाद ये येलो हो जाएंगे इतने बड़े बड़े। यहाँ पशु भी घास मांग रहे, तो फिर देख सकते हो जिससे अनारदाना बनता है। अभी बहुत छोटे छोटे, कुछ टाइम बाद हो जाते बड़े बड़े, फिर पक जाते, फिर इसके एक एक दाना निकाल के सुखाते, फिर बनता है अनारदाना। लोगों के पशु घास मांग रहे हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई इस टाइम पे, धूप होगी ना ज़्यादा। अभी मेरे को पत्तियाँ या घास करना पड़ेगा, दराट और दराटी इसी में ही है, यहाँ आगे करेंगे फिर भी। और हमारे गांव का स्कूल भी है 5th तक। मैंने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ पे मतलब गांव में खाने के लिए बहुत कुछ होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती है खाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से जा रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे रेड कलर के लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो बहुत सारे आगे तक लगे हुए, तो इसको बोलते हैं काफड़। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते काफड़, ये देख सकते हो ऐसे होते, तो बहुत सारे यहाँ पे लाइन में लगे हुए पीछे तक मीठे। तो ऐसे ही कई चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए मिलती रहती हैं। तक इसका डॉगी बट मेरे साथ साथ चला हुआ है, और मम्मी के साथ साथ यहाँ आगे से लेकर। जागी जागी, ये हमारा खेत है, इसकी तो हालत ही खराब हो रखी है, फुल घास ही घास हो रखा है खेत में। यहाँ पे यहाँ से चलते हैं, ये देखो खेत के हर सारा क्लीन कर दिया है इस साइड, यहाँ पे तो आधा सा हुआ है। ये मैंने कुछ घास कर दिया था जो मैंने घर ले जाना था, और यहाँ पे मैं और भी घास काट रही थी थोड़ा थोड़ा करके, कि चलो जब तक मम्मी थोड़ा वहाँ काम कर रहे मैं ये वाला क्लीन कर लेती हूँ। मम्मी ने भी सारा दूसरी साइड में बिच्छू वगैरह काट रहे थे ताकि खेत थोड़ा साफ लगे, बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी, सारा आर पार खराब हो रखा था। जी मैं हरा घास काट रही हूँ ताकि हमारा जल्दी से घास हो जाए, धूप भी हो रही थी ताकि हम टाइम से घर भी आ सके। ये मम्मी ने सारा क्लीन कर दिया था, यहाँ पे सारा बिच्छू था इस साइड पे, इतने कम टाइम में तो यही हुआ, और मेरे भी घास हो गया था। मैं घर की तरफ आ रही थी, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी मैं, घर भी नज़दीक ही है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा घर के पास नाशपाती लगी है, देख सकते हो फुल्ले पूरा पेड़। मैं पहुँच चुकी हूँ घर, पेट में घास है, धूप बहुत तेज हो रही। ये मेरा घर, देख सकते हो लाडो के रो रो के बुरा हाल है, काफी दिन से इतनी ज्यादा रो रही है डेली डेली, क्योंकि पापा जी इसको इतना घास देते रहते थे, मतलब हम जितना लाते थे दे दिया, और पानी टाइम टाइम से पिलाते रहते थे, मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान रखते थे, और इतनी रोती रहती है ना ये लाडो। लाडो क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, बेचारी बहुत रोती रहती है।
दे दिया इसको हरा घास, ये घास दिन के लिए रख लिया है वो। गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।